जब से मोदी सरकार हिंदुस्तान में है तब से मुसलमानों ने एक बात बहुत अच्छे से समझी है कि हमें अब मुल्लाओं का इस्लाम नहीं चाहिए, हमें अल्लाह का इस्लाम चाहिए। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको बकरे की कुर्बानी देनी है, कुर्बानी देनी है आपको, सैक्रिफाइस देना है आपको अपने घमंड का, सैक्रिफाइस देना है आपको उन आदतों का जो किसी को दुख पहुंचाती है, सैक्रिफाइस देना है आपको उन बातों का जो किसी को दिल पे ठेस पहुंचा सकती है, तो इन चीजों का सैक्रिफाइस करना है। आज जैसे कोरोना के चलते आपको एक छोटी सी चीज सैक्रिफाइस करनी है कि आप मस्जिदों में जाकर नमाज ना पढ़े, क्योंकि इस सैक्रिफाइस से आप सिर्फ अपना नहीं अपने परिवार को भी सेव करते हैं और लोगों को भी सेव करते हैं। तो अल्लाह ने तो पहले ही कहा है कि अगर आपके किसी कर्म से किसी और को खुशी मिल रही है, कोई और सुरक्षित हो रहा है, तो उससे बड़ा पाक काम और कोई हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान ने किसी प्रकार आस्तीन का सांप ही समझा है, अब समझ गए हैं और वो आज काट रहा है। ये जाहिर सी बात है, ये गुर्गे वही है जो कांग्रेस पार्टी ने पैदा करे हैं, कांग्रेस पार्टी ने भड़काया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो वो है जो भगवान राम के, जिनको हिंदुस्तानी मुसलमान ने भी इमाम हिंद का दर्जा दिया है, उनके अस्तित्व पर सवाल उठा दिया, तो उनके गुर्गे आ जाएंगे ना। 5 अगस्त को जो भूमि पूजन है उसमें सवाल उठाएंगे, कौन सी नई बात है। जो लोग भगवान राम को नहीं मानते, भगवान श्री राम को जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया, अयोध्या में जन्म लिया, जब उन्हें नहीं मानते तो जाहिर सी बात है आज भूमि पूजन से आग तो लगेगी ना। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, सब एकजुट होकर खड़ा है और इतना अच्छा मैसेज उस दिन जाएगा कि शायद हिंदुस्तान का जो ताज है जो हमेशा रहा है वो और सर ऊंचा ही होगा। और इन लोगों को जलने दीजिए, थोड़ी बहुत आग तो भड़कती है, भड़कने दीजिए, कोई फर्क नहीं। आज आकर हलाला के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई आपने, 4 शादियों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई आपने, ट्रिपल तलाक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई, क्योंकि आप हमेशा बस ये देख रहे थे कि किसी प्रकार आपका वोट बैंक बढ़ता रहे। और मजाक की बात शायद लगे, पर मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो चाहती थी कि एक मुसलमान आदमी 4 शादियां करे, 4 शादियों से कम 8-8, 10-10 बच्चे करे, तो उनका वोट बैंक बढ़ता जाएगा। समाजवादी पार्टी के ये दिग्गज नेता और सांसद शफीकुर रहमान का कोई नया बयान नहीं है। अगर आपको याद हो कि शपथ ग्रहण करते हुए संसद भवन में इन्होंने ये कहा था कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है और वंदे मातरम कहने से मना कर दिया था, तो ये तो इनका निरंतर शुरू से ही एक षड्यंत्र रहा है कि किसी प्रकार मुसलमानों को बरगलाएं, भड़काएं और रास्ते से गुमराह करें। आज भी ये वही कर रहे हैं। जब इन्होंने देखा कि हिंदुस्तानी मुसलमान ने कितनी सूझबूझ के साथ कोरोना के चलते समझदारी के साथ काम लिया और ईद उल फितर यानी मीठी ईद पर अपने घरों में ही नमाज अता फरमाई, ये नहीं कि बाहर जाकर पढ़ी, उन्होंने अपने घर पे सुकून से नमाज करी। अब ये शफीकुर रहमान जैसे लोगों को दिख रहा है, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं को दिख रहा है कि जो मुसलमान है वो इनके गुमराह करे हुए रास्ते पर नहीं चलने को तैयार और अपनी कौम को अपनी समझदारी को आगे बढ़ाकर लेके आ रहा है, पर अब इनकी राजनीति कहीं ना कहीं डूबने लगी है। तो जाहिर सी बात है ये परेशान हो रहे हैं। परेशानी में इन्होंने ये कह दिया कि बकरा ईद पर भी लोग उमड़े भीड़ में, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मुसलमानों पर, मुसलमान बहुत समझदार है और समाजवादी पार्टी के ऐसे नेताओं के बोलबाले में अब वो नहीं आएंगे, उनको गुमराह करने दीजिए, हम गुमराह नहीं होंगे। मुसलमान बकरा ईद पर भी घर पर बैठकर ही नमाज पढ़ेगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि सामाजिक दूरी का पालन ना करे और जाकर मस्जिदों में नमाज पढ़े, ठीक है। लेकिन शफीकुल रहमान ने जब उनसे टीवी डिबेट पे पूछा गया, उनसे उनकी बातें पूछी गई कि आपने जो है ये सोशल मीडिया पे क्यों आवाज मतलब मांगी आदित्यनाथ से, आप चाहते तो एक चिट्ठी भी लिख सकते थे, एक लेटर, एक नोटिस लिख करके भी उनसे परमिशन ले सकते थे, लेकिन आपने सोशल मीडिया ही क्यों चुना। देखिए, सोशल मीडिया हम सब जानते हैं कि आजकल के दौर में सबसे उच्च स्तर पर है। सोशल मीडिया पे सारा युवा जनरेशन जो है, जो यूथ है वो है, तो मुसलमानों का भी यूथ वहीं है, तो इन्होंने बरगलाने की कोशिश वहीं से करी। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये एक सोची समझी साजिश है तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया से ही आएगी ना, क्योंकि अगर ये एक वो समझा हुआ स्टेप होता कि नहीं ये तो चाहिए ही और एक प्रोमिनेंट मांग इन्होंने करी होती जो करनी चाहिए, तो ये एक लेटर लिख के योगी जी को भेजते, सीएम को भेजते, एक प्रोटोकॉल फॉलो करते। पर प्रोटोकॉल फॉलो करने का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बकतम करना है, मुंह से ऐसे शब्द निकालने हैं कि लोगों को ये भड़काते रहें, और यही काम ये कर रहे हैं। नहीं तो वाकई अगर इन्हें पता होता कि ये प्रोटोकॉल का तरीका है और हम ये करवाना चाहते हैं, तो ये सीएम के थ्रू, प्रोटोकॉल के थ्रू जाते, जो इन्होंने नहीं करा। ठीक है मैम, आप एक मुसलमान हैं, आप मुसलमान होने के नाते और जो दर्शक जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आप उनको बकरा ईद पे क्या सलाह देना चाहेंगे। देखिए, बकरा ईद जो है वो शुरू से ही त्यौहार एक ऐसा मनाया जाता है जिसमें कुर्बानी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है कुर्बानी। और कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको बकरे की कुर्बानी देनी है, कुर्बानी देनी है आपको, सैक्रिफाइस देना है आपको अपने घमंड का, सैक्रिफाइस देना है आपको उन आदतों का जो किसी को दुख पहुंचाती है, सैक्रिफाइस देना है आपको उन बातों का जो किसी को दिल पे ठेस पहुंचा सकती है, तो इन चीजों का सैक्रिफाइस करना है। आज जैसे कोरोना के चलते आपको एक छोटी सी चीज सैक्रिफाइस करनी है कि आप मस्जिदों में जाकर नमाज ना पढ़े, क्योंकि इस सैक्रिफाइस से आप
सिर्फ अपना नहीं अपने परिवार को भी सेव करते हैं और लोगों को भी सेव करते हैं। तो अल्लाह ने तो पहले ही कहा है कि अगर आपके किसी कर्म से किसी और को खुशी मिल रही है, कोई और सुरक्षित हो रहा है, तो उससे बड़ा पाक काम और कोई हो नहीं सकता। और ये हर कोई मुसलमान समझता है, और यही वजह है कि शफीकुर रहमान जैसे लोगों की बातों में हम मुसलमान अब नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे शफीकुर रहमान ने ये बयान दिया, तो आपको क्या लगता है ये उनका खुद का बयान था या फिर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी तरफ से उनको कहा गया कि आप ये बात कहिए? जैसा जब कैब का, सीएनआरसी का, सब जब दिल्ली के अंदर आग लग रही थी, लोग जो हैं भड़क रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया था लोगों को भड़काने में, तो क्या कहीं पर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी तरफ से यूपी में हालात को ख़राब करने की एक साजिश तो नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो अपना अस्तित्व उसी दिन खो दिया था जिस दिन वंदे मातरम जैसे पाक शब्द को इन्होंने इस्लाम के खिलाफ बता दिया था। शफीकुर रहमान ने संसद भवन में खड़े होकर, और अखिलेश यादव ने चुप्पी साध कर बैठे रहे थे, उनकी मोहतरमा उनकी बेगम साहिबा चुप्पी साध कर बैठे रहे थे। अब साफ जताया जा रहा है कि अब एक सवा साल डेढ़ साल में यूपी के चुनाव आ रहे हैं, तो ये बाहर निकल कर आ रहे हैं अपने अपने बिलों से, क्योंकि अब इन्हें पता है कि अगर अब जनता को काबू में नहीं करा, जनता को थोड़ा अपने आप की शक्ल नहीं दिखाई, अपने आप को चमकाया नहीं, तो चुनाव जो गिने चुने वोट आने हैं वो भी कहीं ना कहीं सिमट जाएंगे, क्योंकि सबने देखा लोकसभा में जब बसपा सपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो भी ये लोग कहां थे, सभी जानते हैं, आप भी और मैं भी और पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने इस बात को देखा है। अब आप देखिए कि ये लोग, शफीकुर रहमान जैसे लोग, तब अपने बिलों में घुसे रहे जब जमातियों ने कोरोना वायरस हिंदुस्तान में बेसब्री से फैलाया, ये लोग तब भी अपने बिलों में घुसे रहे जब स्वास्थ्य कर्मियों पर महिलाओं ने हमला करा, पत्थरबाजी करी, ये तब भी घुसे रहे जब महिलाओं के सामने, नर्सेस के सामने लोगों ने अश्लील हरकतें करी। तो ये लोग साफ दर्शा रहे हैं कि ये दोगले चरित्र के लोग हैं, जिन्हें जब अपना फायदा दिखता ये उसी थाली में बैठ जाते हैं, और आज भी ये वही कर रहे हैं। फिर मैं वही बात कहूंगी कि इन लोगों की नियत कहीं ना कहीं नियत में खोट है, और इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और समझना चाहिए कि अपनी गंदी राजनीति के लिए इतना ना गिर जाएं कि सड़कों पे अगर किसी दिन लोगों ने इन्हें देख लिया तो शायद ये सिर्फ चप्पल के लिए बचेंगे और किसी चीज़ के लिए नहीं। ठीक है, अब जो ये ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, मौलवी हैं, जिनको एक जो मतलब एक कहिए एक वर्ग है, मुसलमान का एक वर्ग होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा मानता है, मौलवी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उनकी तरफ से जो कही हुई बातें होती हैं, जो उन लोगों के लिए बोली जाती हैं, तो जो लोग हैं जिनके पास दिमाग नहीं है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आप क्या एक मतलब बोलना चाहेंगे कि हाँ आपको ये चीज़ माननी चाहिए, ये चीज़ आपको समझना चाहिए? देखिए, जब से मोदी सरकार सत्ते में आई है, जब से मोदी सरकार हिंदुस्तान में है, तब से मुसलमानों ने एक बात बहुत अच्छे से समझी है कि हमें अब मुल्लाओं का इस्लाम नहीं चाहिए, हमें अल्लाह का इस्लाम चाहिए। और अल्लाह के इस्लाम में लोगों ने ये भी समझा है कि आप अगर शायद इंग्लिश तालीम ना लें, पर अगर आप अपने धर्म की ही तालीम ले लें, तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने मौलानाओं ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को, लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया है, जिसमें से ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, हलाला एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। तो इन मुद्दों से आज मुसलमान जूझ कर आया है, और बाहर निकल कर उन्होंने देखा है कि कैसे कितना बुरा हाल कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने मुसलमान का कह कह के कि हम तो मुसलमानों के लिए, और सिर्फ बरगलाया और काम कुछ भी नहीं करा। आज हम अल्लाह का इस्लाम मान रहे हैं, अल्लाह के इस्लाम से आगे चल रहे हैं, और हमें पता है कि जो सरकार हमारे साथ है, जो सरकार हमारे लिए निरंतर काम कर रही है, चाहे लोग कुछ भी कहें, पर देखने वाले को दिखता है। तो आज इसीलिए लोग मोदी सरकार के समर्थन में है। अगर कोई लोग कुछ कह रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करे, तो ये तो मैं मान सकती हूँ कि शायद लोगों के सामने भीड़ में कह दे कि हाँ हाँ चलिए हम आपकी बात मान लेते, क्योंकि उन्हें वायलेंस नहीं चाहिए, उन्हें लड़ाई नहीं चाहिए, पर घर जाके शायद ऐसे लोगों के, शफीकुर रहमान जैसे लोगों का घर पे जाके अपने बीवी बच्चों के साथ शायद लोग मजाक ही उड़ाते होंगे। ठीक है, मैं आपके घर में देख रही हूँ गणपति बप्पा की मतलब मूर्ति रखी हुई है, जिससे ये साफ नजर आता है कि आप धर्म से ऊपर उठ के भी सोचती हैं। ठीक है, इससे अब मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पुरजोर मतलब प्रयास करती है कि समाज का जो एक वर्ग है उसका हम पूरा का पूरा वोट लें, और मतलब पार्टी में हम मतलब देश की हम जो जनता है उसको अपने तरफ खींच लें, तो क्या समाजवादी पार्टी यूपी में भी वापस से वही अपना मतलब रुतबा, या फिर वही आप कहिए कि एक समाज के लोगों को अपनी तरफ खींचना चाह रही है? बिल्कुल सही बात है, और ये आपने देखा ही है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या बीएसपी हो, इन सभी ने एक ऐसा चरित्र अपनाया है कि जब ये मुसलमानों के घर जाते हैं तो कहते हैं टोपी पहनकर, अस्सलाम वालेकुम, हम मुसलमान हैं, हमें वोट दीजिए। किसी हिंदू के घर जाते हैं तो ये तुरंत चुटकी भर में जनेयुधारी बन जाते हैं और हिंदू को कहते हैं नमस्कार, हमें वोट दीजिए। किसी सिख के घर जाते हैं तो कहते हैं सत श्री अकाल, हम तो सिख हैं, हम तो आपके साथ हैं, हमें वोट दीजिए। और किसी ईसाई के घर जाते हैं तो वाकई ये चर्च में जाके इबादत करके कहेंगे कि हम तो ईसाई हैं, हम तो आपके धर्म को समझते हैं, हमें वोट दीजिए। तो ये जब चरित्र आप देखते हैं कि
ये दर बदर अपना रंग बदल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इन खतरनाक लोगों से आज हमारे लोगों को, युवा पीढ़ी को बचने की ज़रूरत है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम सिर्फ राजनीति में पिसते रहेंगे और डेवलपमेंट यानी विकास जिसका बोलबाला करते आए हैं ये लोग, हम कभी वो देखेंगे नहीं। क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि जैसे अब बहुत बड़े एग्जाम्पल है मायावती जी ने शुरू में कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे तो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, मुझे तो सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी मिल गई जैसे ही चुनाव हारी, और यहाँ पर योगी जी का चुनाव हम लोग लड़े और जीते और योगी जी जो सीएम बने, उसके बाद अब देखिए समाजवादी पार्टी का ऐसे दोस्त बने हैं बीएसपी के मायावती जी, जैसे उनसे बढ़कर उनके दोस्त कोई थे ही नहीं, तो शत्रु वो शत्रु दोस्त हो गए। तो ये सब इनके गेम्स हैं जो अब लोग समझ रहे हैं, लोग इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। शायद उन्हें अब अपना अगर कोई षड्यंत्र बनाना है तो नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पुराने तरीके बहुत फीके पड़ चुके हैं और जनता अब समझदार है, समझ रही है। देश की जनता और खास करके एक मुसलमान वर्ग है वो पढ़ता लिखता जा रहा है और साक्षर लेवल पे आगे बढ़ रहा है। अब मैं एक और बात, ट्विटर पे एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है, उनकी मांग ये है और उन्होंने PIL भी दाखिल कर दिया है, ठीक है, उनकी मांग है कि जो राम जन्मभूमि का जो पूजन हो रहा है उसको रुकवाया जाए। तो क्या कहिएगा इस चीज़ के ऊपर? अभी तो देश भर में उत्साह, हर्षोल्लास हर जगह मन रहा था, लोग खुश हो रहे थे कि बरसों साल से जो फैसला अटका हुआ था 5 अगस्त को वो पूरा होने जा रहा है, लेकिन बिल में से कहीं कोई उनको कांग्रेस का एजेंट बता रहा है, कोई उनको कुछ और बता रहा है, आप क्या बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, आस्तीन में सांप पालेंगे तो किसी दिन तो काटेगा ना। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान ने किसी प्रकार आस्तीन का सांप ही समझा है, अब समझ गए हैं और वो आज काट रहा है। ये जाहिर सी बात है, ये गुर्गे वही हैं जो कांग्रेस पार्टी ने पैदा करे हैं, कांग्रेस पार्टी ने भड़काया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो वो है जो भगवान राम के, जिनको हिंदुस्तानी मुसलमान ने भी इमाम हिंद का दर्जा दिया है, उनके अस्तित्व पर सवाल उठा दिया, तो उनके गुर्गे आ जाएंगे ना 5 अगस्त को जो भूमि पूजन है उसमें सवाल उठाएंगे। कौन सी नई बात है? जो लोग भगवान राम को नहीं मानते, भगवान श्री राम को जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया, अयोध्या में जन्म लिया, जब उन्हें नहीं मानते तो जाहिर सी बात है आज भूमि पूजन से आग तो लगेगी ना। तो ये आग तो बहुत सालों से चली आ रही है, बस फर्क इतना है कि अब हम उस आग को देखने लगे हैं, उस धुएं को देखने लगे और समझने लगे हैं। बहरहाल उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान श्री राम के पूजन के लिए, भूमि पूजन के लिए हिंदुस्तान की जनता बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही खुश है, और कोई भी धर्म हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, सब एकजुट होकर खड़ा है। और इतना अच्छा मैसेज उस दिन जाएगा कि शायद हिंदुस्तान का जो ताज है वो जो हमेशा रहा है वो और सर ऊंचा ही होगा। और इन लोगों को जलने दीजिए, थोड़ी बहुत आग तो भड़कती है, भड़कने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है ये जो व्यक्ति सुबह से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, क्या राहुल गांधी का एजेंट सच में है या फिर इधर उधर का? मैंने तो आपको पहले ही कह दिया, तो ये गुर्गे जो पाले हुए हैं ये तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के हैं, क्योंकि इनकी तो आदत रही है कि किसी प्रकार, तभी तो मैंने आपको बोला कि जो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं वो ऐसे गुर्गे भेजेंगे ना, ऐसे एजेंट भेजेंगे कि जाइए और आप PIL फाइल करिए। ऐसी नीच और घटिया हरकत कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, उन पर डाउट करने की मुझे जरूरत ही नहीं, और मुझे लगता है आप भी डाउट मत करिए, जनता जानती है, क्योंकि इन्होंने कभी हिंदुस्तान की संस्कृति को समझा ही नहीं, और समझते भी कैसे, क्योंकि इन्होंने 50 साल जो राज करा, इन्होंने तो निरंतर हिंदुस्तान का खजाना लूटा है, एक वो अंग्रेज से जो लूट कर ले गए और एक ये अंग्रेज है जो यहाँ बैठ कर लूटते रहे, लेकिन अब जनता समझ गई है, और अब जनता जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदूज हैं, जितने मुसलमान हैं, सबकी भावनाओं को ठेस राहुल गांधी ने और इनकी पूरी पार्टी ने, पूरे परिवार ने पहुंचाई है, और अब उस ठेस से हम बाहर आना चाहते हैं, अब हम खुश रहना चाहते हैं, अब हम उस सरकार का साथ चाहते हैं जो हमारा समर्थन करे, हमारे लिए काम करे, और हम वो सरकार देख रहे हैं जनता के विकास के लिए भी काम कर रही है और जनता की भावनाओं के लिए भी काम कर रही है। आप एक मुस्लिम महिला होने के नाते लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे जो 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है और कुछ लोगों को जलन भी है? कुछ लोग जो हैं, आपसे मैं अभी एक पर्सनल सवाल भी पूछूंगी, पहले आप इसका उत्तर दें। देखिए, जो जलन है, पहले मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि वो मुसलमान नहीं है, ये जलने वाले वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के गुंडे हैं, कांग्रेस पार्टी के जीते जागते बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जिनका पैसा देकर मुंह भरा जाता है। आप मुझे अगर कह रही हैं कि एक एग्जाम्पल देने का या फिर एक संदेश देने का मुसलमान होने के नाते, तो मुझे लगता है मुझे संदेश देने की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत समझदार है, आपने देखा कि जब राम मंदिर बनने का वहाँ फैसला आया तो हिंदुस्तान में कोई भी उत्पतल नहीं हुई, यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे किसी का दिल दुखे, सभी बहुत खुश रहे, मुसलमानों ने आगे बढ़कर उसका स्वागत करा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो मैं कौन, मैं तो एक छोटी सी इंसान हूँ जो यहाँ पर बैठकर संदेश दे सकती है, लेकिन मुसलमान अपने आप को संदेश दे
चुका है क्योंकि वो हिंदुस्तान की संस्कृति को समझता है, हिंदुओं की भावनाओं को समझता है। तो जो बाबर हिंदुस्तान में आकर घुसा था जबरदस्ती, उसने भगवान राम की अयोध्या पर अपनी मस्जिद बनाने की कोशिश करी थी, वो अल्लाह की मस्जिद नहीं थी, अपने नाम की उसने मस्जिद बनाई थी। तो ऐसे इन्वेडर्स को हम ना ही वेलकम करते हैं, ना ही मुसलमान उनको कभी एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, आप इतनी बेबाकी से अपनी बात को रखती हैं, कभी आप पे कोई फतवा या फिर किसी मौलवी का कभी फरमान आपके ऊपर आया है? देखिए, फतवा तो मुझे लगता है अगर आया हो तो मैं, मेरी जानकारी में नहीं है, पर हाँ मौलवी बहुत लोग हैं ऐसे, मैं सब नहीं कहूँगी क्योंकि सबको एक तराजू में नहीं तोला जाता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। माशाल्लाह बहुत सारे मौलाना ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात करते हैं, लेकिन एक गुट मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो, जाहिर सी बात है, मुझ जैसी और महिलाओं को जो मुसलमान हैं और बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, सच का साथ देती हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। कई बार मैं टीवी डिबेट्स पर बैठती हूँ तो कुछ मौलाना है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, अच्छा नहीं लगता, पर उन्होंने मेरे बालों पर और मेरे पहनने ओढ़ने के ढंग पर कॉमेंट किया है, पर ठीक है, उनका कर्म उनके साथ है, मुझे लगता है कि अल्लाह देख रहा है, उन्हें भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको अपनी आंखों पर पर्दा डालने की ज़रूरत है, हम औरतों पर पर्दा डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत अच्छे मौलाना हैं जो समझते हैं और जो हम जैसे औरतों का, हम जैसी महिलाओं का समर्थन करते हैं और जो हलाला, ट्रिपल तलाक, चार शादियों के खिलाफ है, बहुत ऐसे मौलाना हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। ठीक है, अब ये जो मुसलमानों को लेके मतलब एक लोगों की थिंकिंग आ जाती है कि मतलब ये ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा लिखते नहीं हैं, वैज्ञानिक जो होता, खुद सुधांशु त्रिवेदी जी भी ये बात बोलते हैं कि जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ से कोई वैज्ञानिक नहीं आता है, एक भी पेन की लीड जो है अगर उन्होंने बनाई हो तो, ये कब सुधरेगा, ये माइंडसेट कैसे सुधरेगा और कैसे मतलब ये कैसे लेके आए सोशल मतलब? देखिए, बाकी मुसलमान देशों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे हिंदुस्तान में मुझे पता है कि मेरे मुसलमान भाई बहन, मैं इस बात में इस बात को मैंने कई दफ़ा टीवी पे भी बोला है, आप जैसे चैनल्स में भी बोला है कि मुझे इस बात को कहने में कोई डर नहीं है, छोटा भी नहीं समझूंगी, कि मुसलमान एक तबका है जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, पर स्लोली स्टेडीली आगे चेंजेस आ रहे हैं, लोग आगे आकर पढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल मोदी जी की सरकार में हुआ है, देखिए आप ट्रिपल तलाक का जिस तरह से मुसलमानों ने इस बात को अपनाया है और समझा, मैं मानती हूँ कुछ लोगों ने विरोध करा, पर वो मुझे लगता है पार्टी ओरिएंटेड लोग ज़्यादा थे, जो कांग्रेस पार्टी के हो गए, जो पार्टी हमारी पार्टी के, जैसे भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग ज़्यादा थे, सरकार विरोधी लोग ज़्यादा थे, लेकिन मुसलमान जो वाकई है और अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी माताओं को समझता है, उसने इस चीज़ को अपनाया है और बहुत सारी महिलाएं आगे आकर समर्थन दे चुकी हैं मोदी जी को। तो मुझे लगता है खुद न खुद लोग पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और कहीं हमें भी अपने आप को आगे जागरूक करना पड़ेगा कि हम भी आगे आएं, लोगों को जागरूक करें कि आप आकर पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। ठीक है, तो किसने इस तबके को जो है, ये जो तबका है, किसने मतलब इनको पीछे रखने की कोशिश की है, किसने अपना जो एजेंडा चलाने की कोशिश की है, कौन थे वो लोग? तो मैंने तो शुरू में ही कह दिया, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल जब राज करा है और मुसलमानों को ये दिखाया कि हमसे बड़े सिरमोर तुम्हारे कोई नहीं है और करा कुछ भी नहीं, तो जाहिर सी बात है ना कहीं आपने गुमराह करा है, क्योंकि अगर आपको वाकई चिंता होती तो क्या आप हलाला के ऊपर आवाज नहीं उठाते? क्या हलाला से 4-5-6 साल से पीड़ित है महिलाएं मुसलमान? नहीं, बहुत सालों से पीड़ित है। जब आपने सती के लिए आवाज उठाई तो आपने आज आकर हलाला के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने चार शादियों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने ट्रिपल तलाक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि आप हमेशा बस ये देख रहे थे कि किसी प्रकार आपका वोट बैंक बढ़ता रहे। और मजाक की बात शायद लगे, पर मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो चाहती थी कि एक मुसलमान आदमी चार शादियां करे, चार शादियों से कम 8-8, 10-10 बच्चे करे, तो उनका वोट बैंक बढ़ता जाएगा। उस वोट बैंक का लालच हमारी पार्टी, मोदी सरकार ने नहीं करा और यही वजह है कि आज मुसलमान बढ़ रहा है, समझ और हम जैसे लोग आगे भी आ रहे हैं।